गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम टाइम्स ऑफ द डे के बारे में जानेंगे। हमारे दिन का अलग अलग समय होता है, कभी हमें धूप लगती है, कभी हमें छाया लगती है, कभी अंधेरा लगता है, तो वो अलग अलग समय हमारा क्या होता है आज हम उसके बारे में जानेंगे। देखें बेटा, ये है हमारा मॉर्निंग टाइम। जब सुबह होती है तब हमारा सूरज ऐसे धीरे धीरे उगता है और हल्की हल्की सी धूप आने शुरू होती है, वो होता है हमारा मॉर्निंग टाइम। ये देखो बेटा, ये है हमारा आफ्टरनून टाइम, दोपहर का समय, जब सूरज आसमान में ऊपर की तरफ होता है और बहुत रोशनी होती है और बहुत तेज धूप निकल आती है, वो टाइम होता है बेटा हमारा आफ्टरनून टाइम। उसे हम आफ्टरनून कहते हैं, जिस टाइम बेटा आप अपने स्कूल से घर आते हैं। ये टाइम बेटा आपका मॉर्निंग टाइम होता है, जब आप स्कूल जाते हैं, जब आप स्कूल में जाके अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग करते हैं, ये हमारा मॉर्निंग टाइम होता है। और ये आफ्टरनून टाइम वो होता है बेटा जब अपने स्कूल से आप घर की तरफ आते हैं, ये जब आप टीचर को आफ्टरनून करके आते हैं दोपहर का समय, ये वो होता है बेटा, उस टाइम आपको दिन ऐसा नज़र आता है। ये है बेटा हमारा इवनिंग टाइम, जिस टाइम आप अपना काम करके खेलने के लिए बाहर जाते हैं, उस टाइम हल्का सा सूरज छुपता है, थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, वो होता है बेटा हमारा इवनिंग टाइम। और ये है बेटा हमारा नाइट टाइम, रात का समय, जब चांद निकल आता है, तारे निकल आते हैं और सब जगह अंधेरा हो जाता है, वो होता है हमारा नाइट, मतलब रात का समय। तो बेटा, जब पहले लोग दिन को देख के टाइम का अंदाज़ा लगा लेते थे कि भाई अगर उनको ऐसा दिखता था तो वो अंदाज़ा लगा लेते थे बिना घड़ी के कि 7 से 12 का टाइम हो सकता है, ऐसे ही दोपहर के समय वो 12 से 4 के समय के बीच में टाइम का अंदाज़ा लगा लेते थे, ये 12 से 4 का टाइम है। ऐसे ही इसमें देख के, इवनिंग को देख के 4 से 7 का टाइम का अंदाज़ा लग जाता था, और इसको देख के 7 या 7 से ऊपर का टाइम जो भी है लोग अंदाज़ा लगा लेते थे। तो आज हमने कौन कौन सा अपना डे देखा, ये देखो बेटा, ये है मॉर्निंग टाइम, ये रहा हमारा आफ्टरनून टाइम, ये है हमारा इवनिंग टाइम, और ये हमारा नाइट का टाइम। ये बेटा है हमारे टाइम्स ऑफ द डे।